Hello friends and welcome back to the Accurist World. And today's video topic is DIY Gravel Cleaner in 2 minutes for free. जी हाँ, इस वाली वीडियो में अपन ग्रेवल क्लीनर बनाने वाले हैं जो कि सिर्फ 2 मिनट में बनके तैयार होगा और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आपके, उसमें बिल्कुल भी कॉस्ट नहीं लगेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रेवल क्लीनर हम लोग को यूजफुल क्यों होता है। जो अपने ग्रेवल्स होते हैं एक्वेरियम के, इसके नीचे जाके वेस्ट जो होता है वो नीचे जाके बैठ जाता है, जो फिशेस की पूप्स रहती है, एक्स्ट्रा वेस्ट रहता है, जो एक्स्ट्रा खाना बच जाता है, वो सारा सिंक होके इसके नीचे बैठ जाता है और वो बाहर नहीं निकल पाता है। जो भी ऐसे बड़े बड़े ग्रेवल्स रहते हैं उसमें बाहर नहीं निकल पाता है, तो वो अपने एक्वेरियम के फॉर्म में भी नहीं जा पाता है, जो मैकेनिकल मीडिया होता है उसके में भी नहीं जा पाता है, इसलिए वो क्लीन नहीं होता है। वो वहीं बैठा रहता है और वहां पर रहकर अमोनिया क्रिएट करता है अपने एक्वेरियम में, और जो कि फिशेस के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं रहती है। तो उसको टाइम टू टाइम क्लीन करता रहना चाहिए अपन को अपने ग्रेवल्स। लेकिन अगर अपन उसको डायरेक्ट क्लीन करेंगे बाहर निकाल के, तो उसके दो डिसएडवांटेज होते हैं। एक तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और दूसरा उसमें जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होते हैं अपने ग्रेवल्स में, वो भी अपन लूज कर जाते हैं। तो अगर आपको टाइम भी बचाना और अपने बैक्टीरिया भी यूज नहीं करने हैं अपने एक्वेरियम से, तो आप ग्रेवल क्लीनर का यूज करें। तो उससे क्या होगा, जो ग्रेवल क्लीनर से अपन जब साफ करेंगे तो उससे जो गंदगी होगी वही बाहर निकलेगी, और जो ग्रेवल्स होंगे पानी के अंदर ही रहेंगे, आपका टाइम भी बहुत ज्यादा बच जाएगा, तो टाइम कंज्यूम भी नहीं रहेगा और आपके जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया वो भी आपके एक्वेरियम में बने रहेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ग्रेवल क्लीनर बनाना, जो कि सिर्फ 2 मिनट में बन जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले एक्यूरेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेरे चैनल के थ्रू मिले। और फ्रेंड्स, ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, एंड मैं जो आपको ग्रेवल क्लीनर बना के दिखाने वाला हूँ उसकी टेस्टिंग करके दिखाऊंगा वीडियो के एंड में, तो एंड तक जरूर रहिएगा वीडियो में। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमको ग्रेवल क्लीनर बनाने के लिए ये चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक, आप कोई भी अपनी जो पुरानी सिलिकॉन का आपने यूज करी हो उसका ये जो पैक होता है, ये वाला, अगर ये प्लास्टिक का पैक जो आता है उसके साथ जिसमें भरी रहती है सिलिकॉन, वो हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। नहीं तो कोई भी प्लास्टिक की बोतल, कोई पेप्सी की, कोई एप्पी फेज वगैरह, इन सब की बोतल यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास ये पड़ा था तो मैं ये यूज करने वाला हूँ, ये अच्छा भी रहता है और बहुत। और आपको एक इसकी नोजल चाहिए पड़ेगी जो सिलिकॉन के साथ निकलती है। एक ये कनेक्टर चाहिए पड़ेगा जो कि अपने दो पाइप्स को जोड़ने के काम आता है, और एक छोटा सा पाइप चाहिए रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले तो आप अगर ये यूज़ करने वाले हैं तो उसके अंदर आपको पता होगा कि एक वो वाला ये पार्ट रहता है जो कि इसको पूरा बंद कर रहा है, तो सबसे पहले उसको निकालेंगे अपन। उसको निकालने के लिए अपन को यहाँ से कुछ भी डाल के इसको अंदर प्रेस करना होगा कस के। सबसे पहले आप ये लीजिए और उसके ऊपर इसको स्क्रू कर लीजिए ऐसे। खैर, स्क्रू करने से पहले इसको अपन को यहाँ से कट करना है, इस जगह से इसको कट कर लीजिए। अपन को सिर्फ ये वाला पार्ट यूज करना है, इसको अपन इसके ऊपर स्क्रू कर लेंगे। अच्छे से स्क्रू करिए, एकदम टाइट, एकदम टाइट। स्क्रू करने के बाद इसका कोई सा भी एक पार्ट पाइप का इसके अंदर, इसके ऊपर चढ़ा दीजिए, एकदम पीछे तक चढ़ाइएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा चढ़ गया है, इसको वापस स्क्रू कर लेंगे अपन। और उसको स्क्रू करने के बाद ये वाला जो पार्ट है इसमें आप ये कनेक्टर लगा लीजिए, इस वाली साइड से कनेक्टर लगाना। और ये कनेक्टर लगाने के बाद आप इसे किसी भी, जो भी बड़ा पाइप हो आपके पास घर में, उसमें लगा सकते हैं। ये पूरा पोर्टेबल है आपका, अब इसको अभी भी खोल के कहीं भी रख सकते हैं। उसको यहाँ से खोल दीजिए, खोल दीजिए, उसको इसको अलग रख दीजिए, उसको अलग रख दीजिए, तो आपका एक साथ नहीं लगा रहेगा। और इसको फिर वापस जब काम करना हो तो वापस लगा लीजिए ऐसे, और इसको कनेक्ट करिए दूसरे पाइप में बड़े वाले, वो काम कीजिए। चलिए आपको इसकी टेस्टिंग दिखाता हूँ करके, ये कैसे वर्क करता है। और वर्क करवाने से पहले, इसको वर्क करने से पहले क्लीन कर लेना इसको अंदर से। ये मैं भी क्लीन कर लूँगा इसको वर्क करने से पहले, अपने एक्वेरियम में यूज़ करने से पहले। तो अपन को इसको कम्प्लीट करने के बाद क्या करना है, जो ये वाला पार्ट अपन ने इसके अंदर से निकाला था, जो इसके अंदर यहाँ पे लगा हुआ था,
इसमें अपन को होल कर लेने हैं, जितने ये सारे पार्टीशन दिख रहे हैं इन सब पार्टीशन पे अपन को होल कर लेना है। इसको होल करने के लिए भी अपन ये सोल्डरिंग मशीन यूज़ करेंगे। तो ये पूरे छेद करने का तो कुछ ऐसा लगेगा। तो ये छेद इसलिए किए हैं ताकि कोई भी बड़ा ग्रेविल इसके अंदर अपना पाइप ब्लॉक ना करे जाके। इसको अपन इसमें लगा लेंगे इस तरीके से, इसमें डालेंगे इसको अपन, और इसको मिडल ऑफ दी वे तक ही रखेंगे, पूरा एकदम अंदर तक नहीं डालेंगे अपन। बस ये जितना अंदर ये मैंने किया है, मतलब यहाँ पे होगा ये भी, सिर्फ इतने में रखना है, पूरा अंदर नहीं करना है इसको अपन को, बीच में ही रहने देना है। तो चलिए अब इसको अपन टेस्ट करते हैं, चलिए अपने टैंक में कैसा वर्क कर रहा है, चलिए आपको दिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको टेस्ट करते हैं अपने एक्वेरियम में कि कैसा वर्क कर रहा है अपना ग्रेवल क्लीनर। तो उसको सबसे पहले तो इसमें को अपन एक्सटेंशन लगा लेंगे, इसमें एक बड़ी बड़ा पाइप लगा लेंगे, ये रहा एक बड़ा पाइप। तो इसमें इसमें इसको ऐसे कनेक्ट कर लूंगा। तो चलिए अब इसको ट्राई करते हैं अपने एक्वेरियम में। तो सबसे पहले इसको यहाँ से सक कर लेंगे अपने वाटर को। ये देखिए आ गया वाटर, और अपन इसके ग्रेवल क्लीन करेंगे। बहुत ज्यादा गंदे हो चुके थे मेरे ग्रेवल्स। फिर आपको दिखाते हैं कि इसने कैसा क्लीन किया है। आप ये देख सकते हैं मेरे ग्रेवल क्लीनर ने कैसा क्लीन किया है ये, इतना ज़्यादा गंदे थे मेरे ग्रेवल। अभी मैंने पूरे साफ नहीं किए हैं, इसकी मैं पूरी अलग से क्लीनिंग की वीडियो डालूंगा अपने एक्वेरियम की। सम की भी अलग से क्लीनिंग की वीडियो आएगी, और मेरे एरवाना के टैंक की भी क्लीनिंग की अलग से वीडियो आएगी। तो उसको देखने के लिए प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, पसंद लाइक जरूर कर देगा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये मेरा आइडिया कैसा लगा ग्रेवल क्लीनर बनाने का। ये बहुत अच्छा ग्रेवल क्लीनर है, क्योंकि इसको अपन खोल के भी रख सकते हैं अबाउट, बहुत इजीली है, और बनाना ही बहुत इजी है, अबाउट 2 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें मेरे हिसाब से तो आपकी कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगी, क्योंकि ये सारे सामान तो आपके घर में ही अवेलेबल होते हैं। और अब अगर आप एक्यूरिस्ट हैं तो आपके पास एक सिलिकॉन का भी खाली ट्यूब होगा, ये वाला खाली पैक होगा, या तो फिर कोई बोतल तो होगी पेप्सी की, तो आप उससे भी बना सकते हैं, बहुत ज्यादा ईजी है। तो फ्रेंड, अगला चेक पॉइंट अपने जो चैनल का है वो 1000 सब्सक्रिप्शन का है, तो उसको चेक करवाने में मेरी हेल्प करिए, और लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट भी कर देना कि आपको कैसा लगा मेरा आइडिया। और ये जो मेरा किलों का पानी देख रहे हैं, इतना ज्यादा ब्लरी इसलिए हो गया है क्योंकि मैंने अभी पूरे ग्रेवल्स वगैरह हिलाए थे, तो उसमें बहुत ज्यादा गंदगी बैठी हुई है, तो उसकी वजह से हो गया गंदा। इसको मुझे क्लीन करना है, तो उसकी जो वीडियोज होंगी वो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब पर। पूरे वाले एक्वेरियम की क्लीनिंग की वीडियो अलग होगी, एरवाना के एक्वेरियम की क्लीनिंग की वीडियो अलग होगी, मेरे संप की क्लीनिंग की वीडियो अलग होगी। तो उन सबको देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं उनसे बताऊंगा कि आपको कैसे अपना संप क्लीन करना चाहिए, कैसे अपना एक्वेरियम क्लीन करना चाहिए जो फिशेस के लिए अच्छा हो। तो उसके लिए भी चैनल सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। आज की वीडियो में इतना ही।